तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है टेक सोर्स एंड लेट्स हैकिंग द प्रोग्रामिंग। तो आज जो कि हमारा फोर्थ लेक्चर इस चैनल पे अपलोड हो चुका था इथिकल हैकिंग का, तो आज हम फिफ्थ लेक्चर इसका इथिकल हैकिंग का अपने चैनल पे अपलोड करना चाहते हैं। तो इथिकल हैकिंग फोर्थ लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारी प्री कनेक्शन अटैक्स रहेगी, गेनिंग एक्सेस रहेगी और उसके बाद पोस्ट कनेक्शन अटैक रहेगी, वो हमने आपको एक मतलब ग्राफिकल तौर पर आपको समझाया था कि आप उसमें क्या कर सकते हो, बट उसको आज हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं जो कि हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर रहेगा कि हम उसको कैसे और तो उसको हम कैसे करेंगे। तो वीडियो को देखें जरूर, और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, जो कि हम अपना एथिकल हैकिंग का कोर्स कर रहे थे एक वेबसाइट से, तो हमारा उसका एथिकल हैकिंग का जो हमारा सर्टिफिकेट था वो हमारा आ चुका है। मैं आपको अपना एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट दिखाना चाहूँगा, जो कि हमारा एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट ये आप देख सकते हो, ये हमारा एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट है। मैं आपको थोड़ा ध्यान से दिखाऊँ इसको, तो आप देख सकते हो हमारा एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट आ चुका है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं अपने एथिकल हैकिंग में, तो जैसे कि आपने हमारा एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट वो देख लिया, अगर आप YouTube से एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि हम अपने चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियोस देख सके। तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि हम अपनी जो काली लिनक्स में हैं, जो हम आज कर रहे हैं WPA2 और WPA2 वाईफाई की सिक्योरिटी को क्रैक करेंगे, और सिक्योरिटी को क्रैक करने के साथ साथ जो वाईफाई की क्रैकिंग के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो उन वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है विक्टम हमारे और उन वो कुछ भी इंटरनेट पे एक्सेस कर रहा है, जो उनके पैकेट सेंड एंड रिसीव हो रहे हैं उसको, उन पैकेट्स को भी स्निफ करेंगे वाईफाई क्रैकिंग करने के बाद। मतलब अगर सीधी सी बात में कहा जाए कि आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो और वाईफाई से कनेक्टेड होने के बाद आप उस पर अपनी गूगल आईडी भी लॉगिन करते हो, तो वो एक पैकेट्स के रूप में सेंड होता है जो कि सर्वर पे सेंड होता है। जैसे आप जीमेल लॉगिन करें तो जीमेल के सर्वर पर वो पैकेट जाएगा और उस पैकेट को हम स्निफ करेंगे। मतलब हमें एक वाईफाई क्रैक करना है और वाईफाई में जितने भी विक्टिम हमारे कनेक्टेड रहेंगे तो हम उनके डाटा को स्निफ करेंगे। तो डाटा को स्निफ करने के लिए हम काली लिनक्स का यूज़ करेंगे। काली लिनक्स जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक जो वाईफाई डोंगल है उसका यूज़ करना है। वाईफाई डोंगल का हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हम वाईफाई क्रैक कर रहे हैं, तो वाईफाई क्रैक करने के लिए हमें एक वाईफाई इंटरफेस को कैच करने के लिए हमें एक वाईफाई डोंगल की जरूरत पड़ेगी। तो हम वाईफाई डोंगल अपनी सेटिंग में जाके जो हम यूएसबी से कनेक्टेड करते हैं, यूएसबी में प्लस के निशान पर जितने हमारे इसे यूएसबी अटैच्ड है उनके नाम आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मीडिया टैग का यूज़ करें तो हम मीडिया टैग को यहाँ पे ओके करते हैं, जो हमारी काली है वो इस टाइम चल रही है तो हम काली के अंदर आ जाते हैं। काली के अंदर आने के बाद हम जो टर्मिनेटर का यूज़ करेंगे, टर्मिनेटर का यूज़ हम क्यों करेंगे, क्योंकि टर्मिनेटर एक अच्छा है टर्मिनल से, तो हम टर्मिनेटर को इंस्टॉल करने के लिए जो हमारा टर्मिनल है उसके अंदर जाके हमें सिंपल एक कमांड रन करनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार इसको नोट डाउन जरूर करें ताकि आप कमांड्स याद कर सके। तो कमांड्स हमारी क्या रहेगी, sudo apt install terminator, मतलब जो हमारी ये टर्मिनेटर है इस कमांड से इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे हम इसको रन करते हैं, रन होने के बाद ये डाउनलोड करेगा टर्मिनेटर, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड रहता है। जो कि यहाँ पे टर्मिनेटर है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो टर्मिनेटर इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, मतलब जो टर्मिनेटर है वो मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो हम टर्मिनेटर का यूज़ करेंगे, बट उसके लिए आपको एक कमांड की और याद रखनी है कि आपको दो कमांड्स यूज़ करनी है। जो हमारी पहली कमांड रहेगी वो है apt get update, ठीक है, तो हमें ये कमांड्स यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हमारी जो हमारी apt है वो अपडेट हो सके। तो हम इस कमांड को रन करेंगे, ये रन होने के लिए थोड़ा टाइम ले सकती है, डिपेंड रहेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। जैसे कि हमारी यहाँ पे अपडेट होने के बाद हमें क्या करना है, एक कमांड और रन करनी है, apt get upgrade, तो हमें एक इस कमांड का यूज़ करेंगे। इन दोनों कमांड्स को यूज़ करने के बाद जो हमारा टर्मिनल रहेगा
तो हमें टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल आपके डेस्कटॉप पे नहीं शो होगा, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको टर्मिनल टर्मिनेटर सर्च करना है। जैसे हमारा यहाँ पे टर्मिनेटर है तो आप इसको यहाँ पे ऐड टू फेवरेट एंड ऐड टू डेस्कटॉप भी कर सकते हो। तो मैंने ऐड टू डेस्कटॉप कर रखा है, तो हम ऐड टू डेस्कटॉप इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमें सिंपली दो तीन कमांड्स है जो उनको रन करना पड़ेगा। जो हमारी सबसे पहली कमांड्स है, तो जो हमारी सबसे पहली कमांड्स है उसको हम रन करेंगे। आप ध्यान से देखते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहली कमांड है हमारी इफ कॉन्फिग, तो हम इसको रन करते हैं। जैसे कि हमारे इफ कॉन्फिग को रन करने के बाद हमारे पास जो डिटेल आई है वो डिटेल है डब्ल्यू लैन 0 पे हमारा कनेक्टेड है, जो हमारा यूएसबी वायरलेस डोंगल है तो वो हमारा 802.11 है, ठीक है। और जब ये मोड में चल रहा है वो मैनेज मोड में चल रहा है। हमें इसका मोड चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमें मॉनिटर मोड में लेके जाना पड़ेगा। मॉनिटर मोड का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके आसपास के वाईफाई कनेक्शन है उन सबको ये मॉनिटर कर सके। अभी ये मैनेज मोड में चल रहा है। मैनेज मोड में सिंपली होता क्या कि अगर आप इसको किसी वाईफाई से कनेक्टेड करोगे तो कनेक्टेड होने के बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन दे देगा, तो इसको मैनेज मोड कहते हैं। तो हमें इसको मॉनिटर मोड में चेंज करना पड़ेगा। मॉनिटर मोड में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले कमांड्स का यूज़ करेंगे, इफ कॉन्फिग डब्ल्यू लैन 0 डाउन। तो पहले हमें इसको डाउन करना पड़ेगा क्योंकि हम इसका मोड चेंज करें। तो इसको डाउन करने के लिए हम इस कमांड्स का यूज़ करेंगे। जब हम इसको जैसे ही रन करते हैं ये बिना किसी एरर के यहाँ पे रन हो गई। अगर आपको इनमें भी कोई अगर आपको इनको इस कमांड्स को यूज़ करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम जो हमारा तो अगर आपको इस कमांड को रन करने के बाद कोई भी तो आपको अगर इस कमांड को रन करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और सेकंड जो हमारा फेसबुक का पेज है आप उसको भी लाइक एंड फॉलो जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे हमारे चैनल के रिगार्डिंग और इथिकल हैकिंग से भी रिलेटेड। तो उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने जैसे कि यहाँ पे अपनी डब्ल्यू लैन 0 को डाउन कर लिया, तो इसको डाउन करने के बाद हमें एक कमांड और लगानी है, आई डब्ल्यू कॉन्फिग डब्ल्यू लैन 0 कि हम डब्ल्यू लैन 0 पे कर रहे हैं काम। उसके बाद हमें मोड किसको कौन से मोड में करना है, डब्ल्यू लैन 0 को हमें कौन से मोड में करना है, मॉनिटर मोड में। तो हम इसको मॉनिटर मोड कर लेते हैं, जैसे कि आई डब्ल्यू कॉन्फिग डब्ल्यू लैन 0 को हमने चेंज करना है मॉनिटर मोड में। तो हमने यहाँ पे कमांड लिख दी और हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद ये विदाउट किसी एरर के हमारे यहाँ पे रन हो चुकी है। जैसे हमारी यहाँ पे रन हो चुके हैं, इसको रन करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमारी नेक्स्ट कमांड जो रहेगी वो इफ कॉन्फिग डब्ल्यू लैन 0 को हमने अब अप करना है क्योंकि हमने इसको मोड को चेंज कर दिया। तो इसको अप करने के बाद हम इसको रन करते हैं। ये भी विदाउट किसी एरर हमारी कमांड है वो रन हो चुकी है। अगर अब हम आई डब्ल्यू कॉन्फिग कमांड का यूज़ करें, अगर हम अब आई डब्ल्यू कॉन्फिग का कमांड का यूज़ करें तो हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप देख सकते हो जो कि हमारा यहाँ पे मोड है वो मॉनिटर हो चुका है। इसके बीच आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा क्योंकि पहले मैनेज मोड में चल रहा था, जहाँ यहाँ आप देख सकते हो मोड था मैनेज, ठीक है। अब हमने इसको मॉनिटर मोड में कर लिया है। मॉनिटर मोड में करने के बाद हमारा काम आता है एयर डंप एनजी का, तो हमें एयरो डंप एनजी को रन करना है। तो हमें एयरो डंप एनजी को रन करना है डब्ल्यू लैन 0 पे। तो हम इसको सिंपली रन करते हैं। जैसे कि हमारा ये रन हो चुका है, जितने भी हमारे आसपास के कनेक्शन है वो हमें यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे हमारी जो BSS आईडी रहेगी उसको कहते हैं मैक एड्रेस। तो हमारे इस डिवाइस का मैक एड्रेस शो हो रहा है जो कि यहाँ पे 4G है, जो कि मतलब मेरे राउटर का ही है। उसका मैक एड्रेस आपको विदाउट कनेक्शन के यहाँ पे शो हो चुका है और उसके जो चैनल चल रहे हैं चैनल आपको दिखने लग गए और इसकी जो इंक्रिप्शन है इंक्रिप्शन WPA2 है। तो हम इसी मतलब हम अपने ही राउटर को क्रैक करेंगे यहाँ पे, जिसकी सिक्योरिटी WPA2 है,
ठीक है, तो हम WPA2 वाईफाई को क्रैक करना सीख रहे हैं। तो इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, अगले लेक्चर में आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए आप चैनल है जो हमारा उसको सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी।